क्वेश्चन नंबर 28। देखो इसमें अपने पास क्या इक्वेशन है, 2 अपॉन 3x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल टू 17 अपॉन 5 एंड 5 अपॉन 3x प्लस 2y एंड प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखो ये दोनों में सेम है, दिस सेम है कि नहीं, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे सिंपल बनाने के लिए लेट 1 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू v ये हम पुट करेंगे एंड 1 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल टू u। ओके इसमें बोला है कि 3x प्लस 2y इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम ये भी मान लें कि v और u भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमने कोई भी v और u कोई भी कांस्टेंट। तो अगर हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, इक्वेशंस ये होंगी, टू अपॉन थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री अपॉन थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू क्या है 17 अपॉन 5। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 5 अपॉन 3x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। ओके तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 1 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू v, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2v प्लस 3u इक्वल टू 17 अपॉन एंड दिस विल बिकम 5v प्लस u इक्वल टू 2। अब ये जो इक्वेशन है वो v एंड u में आ गई, ठीक है, तो अब हम इसे v और u के लिए सॉल्व करेंगे, भाई एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से नहीं 3 से, तो दोनों में u u का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3, ठीक है, पहले सेकंड बाय 3 करें एंड उसके बाद क्या ऑपरेशन लगाएं, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम, इसे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3, जो 3 से मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन इक्वेशन 2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से, तो जो इक्वेशन आएगी उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, हम इसे इस वाले इसको हम बाद में ही लेंगे, पहले ये वाला। तो इसको मल्टीप्लाई मतलब सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 15v प्लस 3u इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, 15v प्लस 3u इक्वल टू 6, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट जो कि है माइनस 2v माइनस 3 इक्वल टू माइनस 17 अपॉन 5। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस का साइन ले लिया, ये u का टर्म एलिमिनेट हो गया, 15v में से माइनस 2v गया कितना है 18v एंड 6 माइनस 17 अपॉन 5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 अपॉन 5। तो v इक्वल टू कितना आया, ये 13 से 13 कैंसिल हो, v इक्वल टू आया 1 अपॉन 5।
अब हम क्या करें, हम हमें यू की वैल्यू निकालनी है, पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, टू वी प्लस 3u इक्वल टू 17 अपॉन 5। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है 2v प्लस 3u इक्वल टू 17 अपॉन 5 में 2 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 3u इक्वल टू 17 अपॉन 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 5 हो जाएगा, 3u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 जो कि हो जाएगा 15 अपॉन 5 या ये कहें 3। तो यहाँ से क्या आया, 3u इक्वल टू 3, इसे 3 कट किया तो u इक्वल टू 1। नाउ हमने जो वैल्यू रखी थी, देखो क्या करना है, 1 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू हमने क्या लिया था, v, यही लिया था ना, देखो इधर शो कर, ये देखो v, एंड 1 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या लिया था, u। पहले देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू v, v की वैल्यू कितनी आई है, v की वैल्यू आई है 1 अपॉन 5, दिस इज, तो 1 अपॉन 5 पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। एक ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को मान लो 4, एंड हमने 1 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना लिया था, u, तो u की वैल्यू कितनी आई थी, 1, विच मीन्स 1 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन पाए। अब देखो x और y में लीनियर इक्वेशंस आ गए, इन्हें सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें y के कोफिशिएंट सेम है, हम सिंपली ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ये एलिमिनेट हो गया बाय कटम, ये क्या है 6x इक्वल टू 6 व्हिच इंप्लाइज x इक्वल टू 1, ठीक है। इसी में हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, तो हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2y इक्वल टू 5, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2, y इक्वल टू 1, आंसर आ गया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1।